भीड़ देख लो भाई, यहाँ से लाइन लगी पड़ी, और वो देखो कैसी मधुमक्खी की तरह चिपके हुए, शहद में जैसे चिपकती है ना मधुमक्खियाँ। भैया क्या बोल रहे हैं देख लो, आपको कितना टाइम हो गया? आधे घंटे में। अरे भैया कोई नहीं, मुबारक हो। हे गाइस वेलकम बैक टू वाइन एंड फूडी। तो मैं युवराज दोबारा आ चुके हैं, काफी टाइम बाद हम दोबारा साथ में आ रहे हैं। डेढ़ से दो साल बाद आए हैं, क्योंकि आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था यार, जो इससे पहले वीडियो हमने बनाई थी मायापुरी के, उसमें 1.7 मिलियन थे। तो एड्रेस उस टाइम पे सही से हम बता नहीं पाए थे, इस बार आपको सही से बताते हैं। पीछे है ये मायापुरी का गेट नंबर 2, दिल्ली में ये पड़ता है, यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है। किसी से पूछोगे ना मायापुरी के छोले कुलचे, आपको यहाँ से पहुँचा देगा 10-20 रुपये में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या उसका टेस्ट रहने वाला है, कुछ बदला, प्राइस बदला, बस इतना मुझे पता है दुकान बदल चुकी है, वो देखेंगे वो कहाँ पे कहाँ पे टेस्ट वगैरह सब कुछ बताएंगे आपको, जेन्युइन रिव्यू देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो भाई वो देख लो, वो है अपनी शॉप जिसके लिए हम यहाँ पे आए, मायापुरी के छोले कुलचे। पहले रोड पे हुआ करती थी, भीड़ देख लो भाई, यहाँ से लाइन लगी पड़ी, और वो देखो कैसी मधुमक्खी की तरह चिपके हुए, शहद में जैसे चिपकती है ना मधुमक्खियाँ। दो शॉप यहाँ पे दे लिया, यहाँ पे प्रिपेयर होता है और यहाँ पे आराम से इजिली बैठ के, मतलब खड़े होके खाओ, बैठने तो खैर यहाँ पे है नहीं। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं प्रिपरेशन किस तरीके से ये बना रहे हैं। अभी तो ये वाला तो लग चुका है, जब नेक्स्ट लगेगा नया वो देखेंगे। भीड़ आप देख लो भाई, भीड़ अभी भी उतनी है जितनी पहले हुआ करती थी। तो चलिए चलते हैं मेकिंग देखते हैं। सबसे पहले भाई मेकिंग आप खुद ही देखो और खुद ही इसमें देखते रहो क्या बन रहा है। लास्ट टाइम आपने बहुत गालियां दी थी, भाई तू क्यों बोल रहा है बीच में, चुप हो जा, हमें सब दिख रहा है। तो देखते रहो, छोले बनाने का तरीका बहुत ही अलग है और कुलचे बनाने का तो इससे भी ज़्यादा, तो आप देखते रहो। तो भाई ये देख लो, छोले बनके यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, और जितने अच्छे तरीके से छोले बने हैं ना, कुलचे उससे भी अच्छे तरीके से बनेंगे। तो चलिए अब कुलचों की मेकिंग देखते हैं, वो किस तरीके से बनाए जाते हैं। लास्ट टाइम भाई मैंने इसको धनिया बोल दिया था, बट ये कसूरी मेथी है।
शिवराज कितनी देर वेट करी भाई? फाइनली हमारा नंबर भी आने वाला है, ये देख लो भाई। आधा घंटे ज्यादा भैया क्या बोल रहे हैं, देख लो आपको कितना टाइम हो गया आधा घंटे में। अरे भैया कोई नहीं, मुबारक हो, सब्र का फल मीठा होता है। यहाँ थोड़ा सा ऑयली है, यहाँ मीठा नहीं, थोड़ा सा ऑयली है। लो भाई पहली प्लेट आ चुकी है और ये आ गई युवराज की। चलो भाई चलो युवराज, चलो भाई चलो। ये देखो फाइनली ये हमारी आ चुकी है, ये घेरी। तो ये कितने का पड़ा? 60 रुपए की ना, 60 की एक प्लेट है ये, 60 की एक प्लेट। लास्ट टाइम खाई थी तब कितनी थी? तब 50 रुपए की थी, 50 की थी। ठीक है, बनाने का स्टाइल तो सबको सेम है भाई, क्वालिटी देखते हैं, देखते हैं टेस्ट कैसा है। टेस्ट कैसा है, आइए फिर। जीप खड़ी हो रही है, ये जीप भी 8-9 लाख के आसपास। तो भाई पहले फिलहाल जिसके लिए वो कर, जीप लेते रहेंगे 8-9 लाख की। तो यहाँ पे किसी भाई का स्कूटर है, हाँ तो स्टार्ट ही है भाई वीडियो तो, तू बस खा के बता। देख लो स्टार्ट हो चुका है और ये पहले आ गया है इसमें, ये नींबू छिड़क दिया है भाई ने। बट भाई भीड़ अब जाके कम हुई आधे घंटे बाद भाई, कितनी ज्यादा भीड़ थी, ओवर थी बहुत यार, हद भीड़ थी, हद भीड़ भाई। यहाँ पे आना ना तो पेशेंस चाहिए आपको, पेशेंस चाहिए। और मैं आपको बता दूं मेट्रो से 2 किलोमीटर है ये पूरा, हमें पैदल चलते चलते हम आए, बातें करते करते। वैसे रिक्शा भी ले सकते थे बट हमने सोचा यार बातें करते करते चलते हैं, और भी कुछ जरूरी काम थे बीच में वो बताएंगे इन फ्यूचर। तो यार आपने मेकिंग देखी होगी, काफी ज्यादा घी ऑयल का यहाँ पे यूज हुआ है, तो जो थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस है, कैलोरीज वगैरह जो थोड़ा नाप तोल के खाते हैं, तो वो लोग यहाँ पे आना अवॉइड करना, उनके लिए सही नहीं रहेगा। एक बार मैं टेस्ट करके देख लेता हूँ। तो कैसा लगा भाई? भाई टेस्ट तो मेरे को वैसे ही लगा है, जो टेस्ट इसमें है रियल का वो बटर का टेस्ट है, जो आपने देखा था इसमें भर भर के डाला हुआ है, बाकी मसाले वगैरह। टेस्ट मेरे को अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा टेस्ट। बाकी एक बार तू भी टेस्ट कर ले, तू भी देख लेते रहो कैसा टेस्ट लगा है। तो भाई अब मैं ट्राई करके देखता हूँ, युवराज ने तो ट्राई करके आपको बता दिया। वैसे इसने सही बात बोली भाई, जितने तरीके के उसमें ऑयल डाले जा रहे थे ना, पर कभी बटर डाल रहे थे कभी ऑयल डाल रहे थे, और वो जो बटर था भाई वो वैसे भी अमूल का भी नहीं था, वो आता है ना 15 रुपए वाला, वो था वो जो क्वालिटी यूज करते है ना, वो थोड़ी ये वैसी यूज करते हैं, काफी लो ग्रेड वो न्यूट्रल लाइट वगैरह जो बटर आते है ना सस्ते वाले, वो यूज करते हैं। टेस्ट यार है, क्योंकि देख भीड़ ऐसी नहीं आ रही, भीड़ है मतलब टेस्ट है, बट टेस्ट जो ज़्यादा है वो ऑयल का मेरे को ज़्यादा आ रहा है। बट जिस हिसाब से मसाले डाल रहे थे मुझे लगा था बहुत ज़्यादा स्पाइसी का होगा, टेस्ट में तो कम है भाई। बट जैसे युवराज ने जो बात बोली थी ना भाई, जो हेल्थ कॉन्शियस है वो यहाँ पर अवॉइड करो, बहुत ओवर ज़्यादा मतलब ओवर क्वान्टिटी में ऑयल डाला हुआ है। जैसे आप देख रहे हो यार, देखो ये अगर मैं हाथ लगाऊँ ये देखो ये तेल ही तेल आ रहा है, तो उन लोगों के लिए मैं बोलूँगा भाई यहाँ पर मत आओ, बाकी तो लोकेशन बता देता हूँ। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है यहाँ पे मायापुरी का पड़ता है, वहाँ से थोड़ी दूर है ये, 2 किलोमीटर के आसपास होगा। और टाइमिंग जो इनकी है 11-12 बजे से, सुबह 11 बजे से रात के 6-7 बजे तक ये लगाते हैं। बाकी आपको चीजें मिल जाएंगी, स्क्रीन में आ रही होंगी, वहाँ से आप देख सकते हो। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भाई। रिव्यू वीडियो में भी थोड़ा फोकस करा करो यार, अच्छा रिस्पॉन्स दिया करो, उसे भी लाइक करा करो, शेयर करा करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।